टेकड़ी से त्रिवेंद्रम रूट पर हमने 40 किलोमीटर का डायवर्जन लिया। पुट के साथ वेजिटेबल स्टू का टेस्ट खूब इंजॉय किया, एकदम एक्सक्लूसिव। जब आप केरला में सद्या खाएंगे तो आप नोटिस करेंगे एक ही मील में इतने सारे वेजिटेबल्स, हेल्दी फूड और अमेजिंग सर्विंग स्टाइल। राइस, कर्ड और मिर्च, ये तीनों कॉम्बिनेशन के तो क्या कहने, बहुत ही लाजवाब। सुबह हम अर्ली मॉर्निंग टेकड़ी से चले, रुकते रुकाते लेट नाइट 1 बजे जाकर हम त्रिवेंद्रम पहुंचे। हमने ये जर्नी खूब एंजॉय करी। नमस्कार, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम टेकड़ी से निकले हैं, 4 किलोमीटर का सफर ऑलरेडी कर चुके हैं त्रिवेंद्रम जाने के लिए। 200 किलोमीटर का ऊपर का आज के दिन का सफर होगा। यहाँ पर हम रुके हैं वेजिटेबल शॉप में, एक बनाना खाएंगे और जर्नी कंटिन्यूज। मैंने भी जस्ट नोटिस किया यहाँ पर कि वेजिटेबल शॉप में यहाँ ड्राई फिश भी मिलती है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट लगा। अब बनाना खाया जाए, 1 बनाना। बनाना की यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज हैं। आने वाले कुछ दिनों में मैं कोशिश करूंगा कि हर वैरायटी का बनाना कम से कम एक बार तो खा के देखूं। स्वीट गुड। टेकड़ी से 5 किलोमीटर का सफर करके ब्रेकफास्ट करने रुके यहां पर। इनसे हमने समझा क्या रेडी में इनके पास अवेलेबल है। बाहर टेबल ले आए हैं, सीनिक व्यू एंजॉय करेंगे और साथ में नाश्ता करेंगे। परोटा, चटनी, साथ में ये करी है जो प्याज से बनी है, इसके अंदर आलू को क्रश करके डाला गया, ऐसा इन्होंने हमको समझाया। सब्जी और परोटा पहले से रेडी था। चीज़ तो सही है, ये है कि गर्म खाएंगे तो मज़ा ज़्यादा आएगा। परोटा भी गर्म हो और इस तरह की सब्जी भी गर्म हो तो मज़ा आएगा। इसके अंदर मैं नोटिस कर रहा हूँ सरसों ग्रेट फ्लेवर, कोकोनट ऑयल में बना है और सबसे खास बात कोकोनट का इस्तेमाल है। ये सब्जी तो गुड थी लेकिन ये चटनी वेरी गुड है। कहने का मतलब ये है बड़ी मजेदार चटनी है। छोटा सा ढाबा है ये। ये है कि गरम नहीं मिलता यहाँ पर, सुबह बना के रखते हैं, फिर जैसे कस्टमर आते रहते हैं 2-3 घंटे ब्रेकफास्ट के लिए तो खा सकते हैं। आपको और चाहिए तो आपके टेबल पर ही ये बर्तन पड़ा है, इसमें से आप निकाल लीजिए और खाइए। पंद्रह किलोमीटर का हमने सफर कर लिया है। जिपलाइन करने के लिए यहाँ रुके हैं पट्टूमला एरिया में। टी गार्डन्स के बीच से गुजरकर जिपलाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पर जाना बड़ा ही मजेदार और अमेजिंग एक्सपीरियंस। जब भी मैं जिपलाइन कर रहा था तो मैं सोच रहा था कितना अमेजिंग व्यू आ रहा है, बहुत ही शानदार। आप सोचिए टी गार्डन्स के ऊपर से इस तरह से जिपलाइन करते हुए जाना और दूर दूर तक टी गार्डन्स देखना और नीचे भी आपके टी गार्डन्स, सो ब्यूटीफुल। आपकी जानकारी के लिए जिपलाइन का यह स्ट्रेच लगभग 400 से 450 मीटर लंबा है। जिपलाइन से हम 4 किलोमीटर आगे आए, वाटरफॉल देखने के लिए यहां पर रुके हैं। काफी अच्छा लग रहा है यहां पर खड़े होना, काफी टूरिस्ट आए हुए हैं। गुड, 15-20 मिनट स्पेंड कर सकते हैं। इस एरिया का नाम है बलनजंगानम। टेकड़ी से हमारी 45 किलोमीटर की जर्नी हो गई है। अभी हम पहुंचे हैं मुंडकायम मार्केट में, देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है। इस मार्केट में हम वेजिटेबल शॉप देखने आ गए तो काफ़ी कुछ है यहाँ पर। हाँ, ये प्याज मैं देखना चाहता था क्योंकि छोटा प्याज चलता है यहाँ पर केरला में। कोकम, जिमीकंद,
ये डोसकई मेरे को याद आ गया, हैदराबाद में मैंने सांबर में ये देखा था डोसकई। इनके पास काफी सारे जिमीकंद हैं, इसका मतलब यहाँ बहुत चलता है जिमीकंद। वेजिटेबल शॉप के ओनर है मेरे साथ, हमें अपनी शॉप दिखा रहे हैं। सर ये फेमस हाँ, कद्दू, सेब, बड़ी सारी बनाना वैरायटी, काफी कुछ है। तो टैपियोका, इससे मालूम चलता है कि टैपियोका यहाँ बहुत फेमस है, क्योंकि जगह जगह टैपियोका मिल रहा है। 25 रुपीज पर केजी। अच्छा ऐसे खा लेते कच्चा। तो खा ले? हाँ, खाने का। तो ऐसे कच्चा खा लेंगे? अच्छा है, खाने का। अच्छा। इन्होंने बताया इसको कच्चा भी खा सकते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट डाल लो और टेस्ट एंजॉय करो। बाकी बिना सॉल्ट के थोड़ा फीका सा लग रहा है। गुड। काफी कुछ है यहाँ पर, लाइव पकोड़े बना रहे हैं, अंडा भजी, वड़ा, समोसा, बनाना फ्राई। ये बोंडा मेरे को याद आ गया, मैंने मुन्नार में खाया था। सर मेरे को आप 1 पीस ये दे दो, और 1 पीस ये। थैंक यू। इन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि दोनों के अंदर राइस पाउडर का इस्तेमाल किया गया है, इसके अंदर जैगरी है, डीप फ्राई किया इसको भी और इसको फ्राई किया। स्नैक तो बढ़िया, इसमें राइस पाउडर के साथ साथ मैदा भी है, हल्का हल्का मीठा है, बट ऑयल काफी ज्यादा है, बट स्नैक के तौर पे सही है, चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। डिसेंट टेस्ट। आप देखिए ये स्नैक आगे से और पीछे से कैसा लग रहा है। अब इसके अंदर ना राइस फ्लावर और जैगरी है, लेकिन टेस्ट बड़ा जबरदस्त आ रहा है। ये कॉम्बिनेशन कह लो या इसको फ्राई करने का तरीका कह लो, टेस्ट अच्छा है। ये भी अच्छा स्नैक है, जैगरी की वजह से ज्यादा मीठा नहीं है, लेकिन हल्का हल्का मीठा है। गुड स्नैक। एक अंडा भजी भी ले लेता हूँ, टमाटर प्याज की चटनी के साथ एग फ्राई। ऑसम, एग फ्राई वैसे अच्छा है और ये चटनी के साथ और अच्छा हो गया। काफी ज्यादा स्लो चल रहे हम, सुबह 9 बजे के निकले, इस समय दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। हमारी आज की जर्नी का 25% भी रास्ता कवर अभी तक नहीं हुआ। एनीवेज आधा घंटा आगे जाकर एक रेस्टोरेंट में रुकेंगे लंच करने के लिए। हाईवे पर थरावाडू रेस्टोरेंट में हम सद्या खाने के लिए पहुंचे। सद्या खाने के लिए सबसे पहला मजा आता है सर्व करते हुए देखना, कैसे बनाना लीफ के ऊपर एक के बाद एक वेजिटेबल सर्व करते हैं। एक बात माननी पड़ेगी, केरला में आके इस तरह से जब सद्या खाओ और आंख बंद करके ना ऐसे बैठ जाओ 1 मिनट के लिए, तो आपको नारियल तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हर डिश में नारियल है। अब सबसे पहले मेरे को पापड़ की गेम समझ में आ गई। यहाँ पर क्या करने का, ऐसे पापड़ लो, इसका चूरा बनाओ और दाल और राइस के साथ मिक्स करके खाओ, बड़ा मजा आता है। इस टूर में पापड़ को कैसे एंजॉय करते हैं वो मैंने समझ लिया। केवल दाल और राइस वो टेस्ट नहीं दे सकते जो पापड़ के साथ आता है। अवियल पहली बार मैंने मुंबई में खाया था, दूसरी बार चेन्नई में, तीसरी बार यहाँ पर केरला आने के बाद। बड़ी सारी वेजिटेबल्स डलती हैं अवियल बनाने के अंदर, और कोकोनट गोज विदाउट सेइंग हर डिश में।
अवियल का टेस्ट सही है, सही का मतलब है कोकोनट ऑयल अच्छे से है, गाजर नारियल और सरसों बाहर से दर्शन हो गए इस सब्जी के अंदर। वैसे आपके रेफरेंस के लिए केरला सद्या के अंदर परोटा या चपाती नहीं रहती, पता नहीं क्यों मैं करेले को ना बचपन से अवॉइड करते आया हूँ, रीज़न कुछ नहीं है बट, और जब भी खाया है करेले को अंदर कुछ ना कुछ स्टफ करके खाया है, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि स्टफिंग नहीं है, इन्होंने इसको छोटा पीसेस में काट कर सब्जी बनाई है। कोकोनट के साथ करेला गुड डील, अच्छा टेस्ट, हल्का हल्का खटास भी है साथ में इमली की। मुझे लगता है अगर मैंने 5-6 बार ये करेला खा लिया ना तो करेले को लेके मेरी जो नापसंद है ना पर्सनल लेवल पे वो पसंद में कन्वर्ट हो जाएगी। कहने का मतलब है टेस्टी है। टेबल पर इन्होंने ये कड़ी दी है, कड़ी जिसके अंदर दही हो और कोकोनट हो, मेरे लिए पहली बार का एक्सपीरियंस है और मज़ेदार एक्सपीरियंस है। मैं पिछले 3-4 दिन से काफ़ी लोगों से बात कर रहा हूँ, केरला सांबर का ना टेस्ट फ़र्क है, चेन्नई में मैंने सांबर खाया उसके मुकाबले में। अब मुझे ना 2-3 चीज़ें पता लग गई हैं डिस्कशन करने के बाद। पहली बात, चेन्नई के अंदर सांबर में इमली ज़्यादा रहती है केरला के मुकाबले में। सेकेंड चीज़, सांबर में कोरिएंडर यानी कि धनिया ज़्यादा रहता है केरला के मुकाबले में। पहली बाइट में इंक बड़ा पावरफुल टेस्ट है इस सांभर के अंदर। याद आ गया मेरे को कोची में ऐसे ही हमने एक मिर्च ली थी और उसको हमने राइस में डाला था और ऊपर से हमने कर्ड डाल दिया था ऐसे। ओहो, 3 चीजें मैंने निकाली थी जो मेरे को पर्सनल फेवरेट थी, 1, 2, 3 में अब ये 1 हो गया। कहने का मतलब ये है सॉल्टी है, मेरे को एक्स्ट्रा सॉल्ट की जरूरत नहीं है। और क्या बताऊं, मार्वलस कॉम्बिनेशन है राइस में इस तरह से मिर्च डालना और दही के साथ खाना, टू गुड। मैं कितनी भी तारीफ कर लूं इस कॉम्बिनेशन की मेरे पास शब्द नहीं है, इतना टेस्टी है। अब आप समझो कि क्या गजब टेस्ट होगा। भाई साहब, पायसम में सेमियां डाली हैं, अच्छा है, गुड एंड टू टुडेज मील इस पायसम के साथ। अभी अगले 2 से 2.5 घंटे कम से कम हम नॉनस्टॉप चलेंगे, क्योंकि टोटल जो आज हमको जर्नी करनी है उसका हार्डली 30% अभी तक हुआ है और 4:15 ऑलरेडी हो चुके हैं। ट्रिवेंड्रम जाने के लिए हमने 35 किलोमीटर लंबा रूट ले लिया, क्योंकि रास्ते में हम पुट्टू खाना चाहते हैं। पुट्टू कड़ा करुणागापली एरिया के अंदर बहुत फेमस शॉप है, बस उसकी तरफ अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। पुट्टू और वेजिटेबल स्टू, आप देखो क्या सर्व करने का अंदाज है, डिश का आप टेक्सचर देखो बहुत खूबसूरत, बाहर इस तरह से कोकोनट एकदम गर्म है, हाथ लगाया तो मुझको फील हो रहा है। ये देखो अंदर तो कोकोनट इसमें रहता ही है, मैंने कोची में पुट्टू खाया था, ये देखो कैसा स्टीम निकल रही है, वाओ सुपर्ब। तो एक तरह से ये चूरा हो गया। अगर आपने कोची का एपिसोड मिस कर दिया तो आपके रेफरेंस के लिए ये राइस फ्लावर से बनता है। पुट्टू के बड़े सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, फिश करी के साथ भी, चिकन के साथ भी और वेज स्टू के साथ भी। कडला करी हम लोग ने खाया तो वो तो मेरे को याद है, बहुत मज़ेदार था। अच्छा, ये वेजिटेबल स्टू में डाल रहा हूँ ना, मेरे को इसके अंदर एक खुशबू है वेजिटेबल स्टू के अंदर, शानदार। वेजिटेबल स्टू का ये कलर है कोकोनट मिल्क की वजह से और कैश्यू पेस्ट की वजह से।
पुट्टू के अंदर ना राइस फ्लावर के साथ साथ इलायची, इस तरह के फ्लेवर्स हैं जो मस्त मजा दे रहे हैं। खाते समय हल्की हल्की मिठास का फील आती है किशमिश की वजह से, और साथ में कोकोनट मिल्क की वजह से वो अपना मज़ा दे रही है। और मैंने आपको जैसे बताया कि पुट्टू का जो अपना टेस्ट है ना वो बड़ा काबिले तारीफ है। मेरा तो बड़ा नया एक्सपीरियंस है पुट्टू, तो मैंने यहाँ पर केरला आके ही पहली बार एक्सपीरियंस किया है, लेकिन उस नए के अंदर ये एक्सपीरियंस जो आज मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ना ये बड़ा गजब है। कहने का मतलब है कि अगर आपने कभी नहीं खाया पुट्टू तो पहली बार खाते ही आप पुट्टू के फ़ैन हो जाओगे और इस तरह के कॉम्बिनेशन के फ़ैन हो जाओगे जो मैं यहाँ पर खा रहा हूँ। आपको मालूम है इसके अंदर मसाले के नाम पे एक ही चीज़ है, वो है थोड़ा सा नमक। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक या दो चम्मच इस स्टू के खा लो तो हो सकता है पहली बारी में लगे कि नमक कम है, क्योंकि इसके अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन जब 5-6 चम्मच खा लोगे इस तरह से कॉम्बिनेशन के अंदर तो नमक डालने का मन ही नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि कम होने के बावजूद सो गुड। पिछले 4-5 दिन में मैंने देखा यहाँ पर ना ब्लैक टी बहुत कॉमन है, आपको हर रेस्टोरेंट में इस तरह से ब्लैक टी पीने को ज़रूर मिलेगी। सही है। एंड टू टुडेज डिनर, अगर आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं ट्रिवेंड्रम या टेकड़ी से जुड़े हुए या इस जर्नी से जुड़े हुए हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमेशा की तरह मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स का। अभी यहीं पर हम बाय बाय आपको कर रहे हैं क्योंकि अब हमारा आगे का सफ़र 2.5 घंटे का है, तो 1:15 ऑलरेडी हो चुके हैं, पहुँचते पहुँचते लगभग हमें 2.5 घंटे आप ऐड कर लो, मिनिमम उतना लग ही जाएगा। तो अब अगले 2 दिन के लिए हम ट्रिवेंड्रम में रहेंगे 50-50, या तो एक दिन ट्रिवेंड्रम अगले दिन कन्याकुमारी या दोनों दिन ट्रिवेंड्रम, अभी तक डिसाइड नहीं किया। चलो दैट्स इट, सी यू सून। अगले एपिसोड में आप देखेंगे हमने ट्रिवेंड्रम में क्या क्या एंजॉय किया। मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने रेकमेंड किया था कि आप ट्रिवेंड्रम से आगे कन्याकुमारी और रामेश्वरम जरूर जाना। कन्याकुमारी तो हम गए, लास्ट टिप ऑफ इंडिया पर खड़े होकर इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के इस खूबसूरत नज़ारे को देखना बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस, जस्ट टू गुड। इस जर्नी में हमने रामेश्वरम मिस कर दिया। केरला टूर के अंदर हमने फूड और साइट सीइंग के साथ साथ वाटर स्पोर्ट्स भी खूब इंजॉय करी। जल्दी मिलेंगे नए और एक्साइटिंग सफर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून।